Hello all learners, welcome to my virtual classes. Today I am again discuss with you about suspension topic, but I will discuss with you about part 2, which is a method of formulation and the packaging of suspension. So as you know ki aaj hum log suspension ke manufacturing ke topic ke bare mein detail mein study karne wale hain, to मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग विच आर फॉलोइंग. तो हम देख लेते वन बाय वन. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल. नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व एंड देयर सीक्वेंस इन मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू फोकस ऑन इट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड बिफोर मैन्युफैक्चरिंग. अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. अब सस्पेंशन को बनाने के लिए या डिजायर्ड सस्पेंशन को बनाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले हमें देखना रहता है कि हमें फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाना है या डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाना है. तो फ्लॉक्युलेटेड में हम जान लेते हैं, फ्लॉक्युलेटेड में जो पार्टिकल होते हैं वो आपको पता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है हाई होता है. अब डीफ्लॉक्युलेटेड में क्या होता है, डीफ्लॉक्युलेटेड में एक हार्ड कार्क बनता है और इनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इनका क्या होता है, लो होता है बिकॉज ये हार्ड केक बना रहे हैं और अगर हम इन्हें डिस्पर्स करते हैं तो इजिली डिस्पर्स नहीं होंगे. ठीक है, तो अब हम अप्रोचेस देख लेते हैं इसमें कौन से होते हैं. इसमें दो अप्रोच मेनली यूज होती हैं. तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ स्ट्रक्चर व्हीकल टू कीप पार्टिकल्स डीफ्लॉक्युलेटेड. स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को यूज करके हमें पार्टिकल को डीफ्लॉक्युलेटेड स्टेट में रखना है. तो जिससे क्या होगा, हमारे पार्टिकल जो होंगे फंसे रह जाएंगे और इंटेंडेड रह जाते हैं तो क्या होगा, हार्ड केक नहीं बनेगा. अगर हार्ड केक नहीं बनेगा क्योंकि ये आपस में मर्ज रहेंगे और इस तरह से हार्ड केक नहीं बनेगा. अब दूसरी अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच टू कीप द पार्टिकल इन फ्लॉक्युलेटेड स्टेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट केक फॉर्मेशन. सेकेंड स्टेट होगी पार्टिकल को हमें फ्लॉक्युलेटेड स्टेट में रखने की, मतलब हमें केक नहीं बनने देना है. ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है. तो इसको रोकने के लिए हमें फ्लॉक्युलेटेड स्टेट में रखना है. तो फ्लॉक्युलेटेड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं. तो हमें स्टेबल सस्पेंशन को बनाने के लिए मेनली केक बनने को रोकना है और केक बनने से रोकना है. अब जो थर्ड स्टेप देख लेते हैं, टू प्रिवेंट सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स होने से को हमें सेटल होने से प्रिवेंट करना है. तो ये हमारे डिजायर्ड और स्टेबल सस्पेंशन कहलाते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं अप्रोचेस के बारे में. अब कौन कौन सी अप्रोचेस लगती हैं, इसमें देख लेते हैं क्या होता है. मेनली फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स होते हैं हमने क्या ऐड किया है इसमें, वेटिंग एजेंट एंड द डिस्पर्जन मीडियम. अब वेटिंग एजेंट का क्या रोल होता है, जो पार्टिकल होते हैं इजिली कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं हमारे लिक्विड के. वेटिंग एजेंट का ये वर्क होता है, मतलब एक कॉन्टेक्ट एंगल जो क्या होता है अच्छा बन जाए, पार्टिकल जो हमारे क्या होते हैं डिस्पर्ज्ड मीडियम में सोल्यूबलाइज हो जाए. तो मेनली क्या है, अगर हम ये मोटार पेस्टल में काम करते हैं तो ये वेट हो जाए आपस में, कॉन्टेक्ट एंगल इजिली बन जाए और इजिली एब्जॉर्ब हो जाए. अब क्या होगा, डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बन जाएगा. अब डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन के तीन केस हम यूज करेंगे. तो पहला क्या है, हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल यूज करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या है, फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनेगा. अब फ्लॉक्युलेटेड एजेंट्स भी ऐड कर रहे हैं तो
तो क्या है, इसी का अंदर हमारे स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाले तो क्या होगा, तो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन हमें ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इस तरह से यू विल गेट अ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू द अप्रोचेस। तो स्टेबल सस्पेंशन को बनाने के लिए हम ये अप्रोचेस यूज करके हम एक स्टेबल सस्पेंशन बना सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी कि सस्पेंशन को बनाने का अगर हम लैब में देखते हैं, लैब में हम इस तरीके से बनाते हैं, तो क्या है मेनली, क्या हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हम इसको स्टेप वाइज स्टेप लिख के आपको बताएंगे। तो मेनली इसमें क्या होता है कि सस्पेंशन को बनाने के लिए हम क्या है मोर्टार पेस्टल का यूज़ करते हैं इन द लैब। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं मेनली अपने एपीआई या पार्टिकल्स को क्या होते हैं हम अपने मोर्टार पेस्टल में लेके इसको ग्राइंड करते हैं या साइज रिडक्शन करते हैं। साइज रिडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं दो सॉल्वेंट या वेटिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है एपीआई को सस्पेंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद लेविगेशन और ग्राइंडिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है व्हीकल के साथ अगर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या होता है इसमें कुछ अनदर जो व्हीकल्स बचे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं पेस्ट में, तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि स्लरी का फॉर्म मिल जाता है। ये जो स्लरी जो होगा ये हमारा क्या होगा डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अब हमें क्या है इसको हमें क्या करना है ट्रांसफर करना है ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। ठीक है, और जो इसमें मोटार में पेस्टल में जो पोर्शन अडहेयर कर जाता है उसको हम रिंस कर लेंगे। सो अभी तक आपने देखा कि आपको अभी तक डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन ऑब्टेन हुआ था। तो डीफ्लॉक्युलेटेड जो सस्पेंशन होता है उसमें प्रॉब्लम कुछ होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल में रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा और इसमें जो ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे और हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने तीन स्ट्रेटजी इसमें लगानी है। तो ये स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंट करके हम एक स्टेबल सस्पेंशन ऑप्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी में हमने क्या है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड किया है, नेक्स्ट में हमने फ्लॉक्युलेटेड और देन फ्लॉक्युलेटेड और उसके बाद हमें स्टेबल सस्पेंशन मिलता है। अब इसके लिए हमें फर्स्ट अप्रोच में हमें क्या करना है हमें पॉलीमेरिक सॉल्यूशन ऐड करने हैं, तो सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमेरिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो ये जो पॉलीमेरिक सस्पेंशन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमें डीफ्लॉक्युलेटेड जो सस्पेंशन होगा डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल सस्पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके कारण जो हुआ जो हमें सस्पेंशन मिल रहा है तो वो एक तरीके का स्टेबल सस्पेंशन तभी भी नहीं रहेगा। तो क्यों नहीं रहेगा, इसके लिए क्या है आपका जो सस्पेंशन रहेगा उस अमाउंट की विस्कोसिटी बढ़ेगी, बट विस्कोसिटी बढ़ेगी लेकिन जो पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन होने लगेंगे और पार्टिकल एग्रीगेट होंगे और फिर हार्ड केक बनेंगे, और यहाँ पे भी क्या है चांसेस आपके हार्ड केक बनने के। तब हमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे हमें फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन का काम करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कुछ फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड सेकेंड स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो सस्पेंशन ऑप्टेन होगा उसका अपीयरेंस बेटर नहीं रहेगा और अच्छे अपीयरेंस ना होने के कारण हम अगेन अनदर स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जो हमें यहाँ पे सस्पेंशन मिलेगा वो स्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। तो हमने ये थ्री स्ट्रेटजी यूज करके हमें
सस्पेंशन बनाना है और स्टेबल सस्पेंशन हमें इस स्ट्रेचिंग में ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं। फाइनली इन स्ट्रेटजी से हमें एक स्टेबल सस्पेंशन ऑब्टेन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे और अकॉर्डिंग टू द नीड। उसके बाद हमें जो सस्पेंशन मिलेगा वो आपका स्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। तो दिस इज अ स्मॉल स्केल प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन प्रिपरेशन और द मैन्युफैक्चरिंग। नाउ डिस्कस कर लेते हैं सम अदर मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बनाने के कुछ अदर भी मेथड्स हैं, तो उसमें आपका फर्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड के तीन प्रोसेस हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बाय पीएच एंड द डबल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपको वाटर सॉल्युबल ड्रग लेनी है और उसे हमें डिजॉल्व करना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देन हमें ऑर्गेनिक फेज को डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। अब जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं मेनली, उसके एग्जाम्पल है इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल एंड पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड से आपका इमल्शन बनता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन बाय पीएच। मेनली इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज ड्रग्स इन विच सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू। तो ऐसे प्रिपरेशंस के लिए और ऐसे ड्रग्स के लिए हम प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें करते क्या है देख लेते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन फेवरेबल पीएच, देन इसको पोर करते हैं अदर सिस्टम में एंड देन एजिटेशन करते हैं। उससे हमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसमें एग्जाम्पल से आपके स्टारा डॉयल सस्पेंशन और इंसुलिन सस्पेंशन इस मेथड से बनाते हैं। डगल डिकम्पोजिशन मेथड में देख लेते हैं, टू वाटर सॉल्युबल रिएजेंट्स फॉर्म अ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स। तो इसका एग्जांपल है वाइट लोशन। अब हम देख लेते हैं अबाउट द डिस्पर्जन मेथड। मेनली डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है, द व्हीकल मस्ट बी फॉर्मुलेटेड सो दैट सॉलिड फेज इज इजिली वेटेड। व्हीकल ऐड करके हम सॉलिड फेज को इजिली वेट कर सकते हैं और डिस्पर्स कर सकते हैं। इसमें हम सर्फेक्टेंट का भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है आपका इंश्योर करता है यूनिफॉर्म वेटिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉलिड्स। देन क्या होता है, द यूज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट सस, हम जो सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं मेनली उसके एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल गम्स डैट मे इंडिकेट डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। द एक्चुअल डिस्पर्जिंग ऑफ सॉलिड्स मे और मे नॉट बी कॉज पार्टिकल साइज रिडक्शन। इफ पार्टिकल साइज रिडक्शन अकर होता है देन क्या होता है, पार्टिकल ऑब्टेन मे हैव डिफरेंट इनसॉल्युबिलिटीज, जिससे हमें क्या होता है सुपर सेचुरेशन सिस्टम में शो होता है और या इट विल लीड टू सुपर सेचुरेशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ कंट्रोल फ्लॉकुलेशन। तो कंट्रोल फ्लॉकुलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स। अगर हमें कंट्रोल फ्लॉकुलेशन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड करना है। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सर्फेक्टेंट्स एंड द पॉलीमर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज कैसे करते हैं, मेनली स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को हम थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट भी कहते हैं। दे आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स। ये मेनली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक गम्स होते हैं। दे आर मेनली इनका यूज हम विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए सस्पेंशन की करते हैं। दीज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल मेनली करते क्या है, रोल क्या होता है, इंट्रैप द पार्टिकल एंड रिड्यूस द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, इंट्रैप कर लेते हैं और जिससे सेडिमेंटेशन नहीं होता है और फिर हार्ड केक फॉर्म नहीं होगा। दस द यूज ऑफ डिफॉकुलेटेड पार्टिकल इन अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल मे फॉर्म सॉलिड हार्ड केक अपॉन लॉन्ग स्टोरेज। टू हाई विस्कोसिटी इज नॉट डिजायरेबल।
विच मे कॉज मे बी पोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग डिफिकल्टी होगी पोर करने में, अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो पोर करने में डिफिकल्टी होगी. इट मे अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन. स्ट्रक्चर व्हीकल इज नॉट यूजफुल फॉर पैरेंटल सस्पेंशन बिकॉज दे मे क्रिएट प्रॉब्लम इन सिरेंजिबिलिटी ड्यू टू हाई विस्कोसिटी. हाई विस्कोसिटी की वजह से ये पैरेंटल प्रिपरेशन में इनका यूज नहीं होता है, अदरवाइज सिरेंजिबिलिटी प्रॉब्लम को कॉज करेगा और बहुत ही विस्कस होने के कारण ये सिरेंज में प्रॉपरली इसे यूज नहीं कर सकते. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. सो हेयर इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ ओरल सस्पेंशन विच इज अ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंप्रेस्ड, जिसका यूज हम एंटा एसिड की तरह करते हैं. तो इट इज, तो हेयर यू कैन सी अ मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ दैट. तो डाइजीन का ये फॉर्मूला है जो एक ओरल सस्पेंशन है, एंड इट इज मैंडेटरी टू लर्न इट बिकॉज ये एक ओरल सस्पेंशन का एग्जाम्पल है दैट यू हैव टू राइट इट डाउन द एग्जामिनेशन. सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमने मार्केटेड प्रिपरेशन या फिर जो ओरल सस्पेंशन प्रीवियस स्लाइड में शो किया है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. तो मेनली इसमें जो हमने मेथिल पैराबेन एंड द प्रोपिल पैराबेन यूज किए, आपको पता ही है ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं. सिरप एंड सॉर्बिटॉल जो है आपका विस्कोसिटी एंड स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह वर्क करेंगे. इस प्रिपरेशन को कैसे बनाया है ये देख लेते हैं. इन द प्रिपरेशन द पैराबेन आर डिजॉल्व इन अ हीटेड मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, देन उसमें हम ग्लिसरीन सिरप एंड द पोर्शन ऑफ वाटर ऐड करते हैं. फिर उसके बाद मिक्सचर को कूल करते हैं. फिर उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं विद स्टिरिंग के साथ. देन हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं और रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होता है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं. देन क्या होता है, सस्पेंशन इज देन होमोजिनाइज्ड. उसके लिए हमें क्या करते हैं, हैंड होमोजिनाइजर या इंडस्ट्री में बात करें तो होमोनाइजर का यूज करेंगे, एंड देन होमोमिक्सचर का यूज करते हैं या फिर कोलोइडल मिल्क का यूज कर सकते हैं. और इस तरीके से आपका ओरल प्रिपरेशन बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का. तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ ओरल प्रिपरेशन एंड दैट वी कैन यूज एज एंटा एसिड. सो हेयर यू कैन सी द पैकेजिंग ऑफ द सस्पेंशन. तो सस्पेंशन की भी पैकेजिंग मैंडेटरी है. तो सस्पेंशन की पैकेजिंग मेनली हम वाइड माउथ कंटेनर में करते हैं. क्यों वाइड माउथ कंटेनर में करते हैं, और मेनली ये याद रखते हैं कि उसमें जो स्पेस हो कंटेनर में क्वांटिटी से भी एक्स्ट्रा हो स्पेस, बिकॉज एज यू नो कि जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो सकते हैं. इसलिए मेनली बिफोर इन टेकिंग द सस्पेंशन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन यू हैव टू फर्स्ट शेक इट देन यूज इट. तो इसके लिए हमें ऑलवेज थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है ताकि हम प्रॉपरली शेक कर सके अपने प्रिपरेशन को. अनदर हम देख सकते हैं मेनली हम पैरेंटल जो सस्पेंशंस होते हैं, पैरेंटल प्रिपरेशंस में जो सस्पेंशन बनाते हैं उसको हम ग्लास एम्प्यूल्स या वायल्स में पैक करते हैं. अब पैकेजिंग मटेरियल्स की कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए. मेनली जो मटेरियल होगा शुड बी इनर्ट, इट शुड बी इफेक्टिवली प्रिजर्व सो दैट लाइट एयर की वजह से आपका प्रिपरेशन डिग्रेड ना हो और किसी भी कंटामिनेशन और शेल्फ लाइफ में प्रॉब्लम ना अराइज हो. जो आप पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं शुड बी चीप और यू कैन से कॉस्ट एक्सपेंसिव ना हो. इट शुड बी इफेक्टिवली डिलीवर द प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो कुछ अनदर पॉइंट्स भी दे सकते हैं कि कंटेनर से रिलेटेड या पैकेजिंग से रिलेटेड. शुड बी एडिक्वेट एयर स्पेस अबव द लिक्विड टू परमिट एडिक्वेट शेकिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है इन प्रीवियस स्लाइड. थोड़ा सा स्पेस जाना होना चाहिए सो दैट हम ईजिली शेक कर सके अपने लिक्विड को. शुड बी प्रोवाइड इन वाइड माउथ कंटेनर. वाइड कंटेनर का माउथ वाइड होना चाहिए.
स्टोर इन अ टाइट कंटेनर, टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। फ्रीजिंग से हम फ्रीजिंग की कंडीशन हमें नहीं प्रोवाइड करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। एक्सेसिव हीट एंड लाइट से इसको दूर रखना है। इट शुड बी ऑलवेज शेक इट देन यूज इट, मतलब बिफोर यूजिंग यू हैव टू शेक योर प्रिपरेशन देन टेक इट, दैट इज मैंडेटरी। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स यूज इन द पैकेजिंग ऑफ द सस्पेंशन। तो मेनली हम ग्लास एंड प्लास्टिक के मटेरियल से बने कंटेनर्स का यूज करते हैं। ग्लास में हम सोडा लाइम और बोरोसिलिकेट टाइप के ग्लास का यूज करते हैं। तो इसमें सोडा लाइम ग्लास का यूज करते हैं और बोरोसिलिकेट का ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक के कंटेनर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। एंड इट शुड बी स्टेराइल। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्लोजर्स और लाइनर्स का यूज करते हैं। तो विद एन एक्सेप्शन ऑफ एम्प्यूल ऑल कंटेनर रिक्वायर्ड इलास्टोमेरिक क्लोजर्स। सारे कंटेनर्स में इलास्टोमेरिक क्लोजर्स का रिक्वायर है। मेनली क्लोजर्स मैंडेटरी है फॉर सस्पेंशन पैकेजिंग और यू कैन से इन द पेरेंटल पैकेजिंग में हम एम्प्यूल्स में जो हम अपने पेरेंटल वाले सस्पेंशन को पैक करते हैं तो उसमें हमें इस इलास्टोमेरिक क्लोजर्स की भी नीड होती है। नाउ हियर यू कैन सी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंड द लेबलिंग। तो स्टोरेज भी एज नेसेसरी एज द पैकेजिंग लाइक। तो स्टोर करने के लिए मेनली हमें कूल प्लेस पे रखना है अपने प्रिपरेशन को, बट इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करना है। अब यहाँ पे यही बताया गया है फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड ऑलवेज। इसे हमें मेनली किस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है, मेनली 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखना है। लेबलिंग में ऑलवेज मेंशन करना है शेक वेल बिफोर यूज, डू नॉट फ्रीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। इन केस ड्राई सस्पेंशन पाउडर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्सड मे बी इंटेंडेड क्लियरली ऑन लेबल। इट शुड बी ऑलवेज मैंडेटरी टू प्रिंट दैट टाइप ऑफ मैथड दैट हाउ वी कैन एड द व्हीकल एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ व्हीकल वी कैन एड टू प्रिपेयर अ ड्राई सस्पेंशन सॉल्यूशन। So here I am ending today's lecture. In next lecture, I will discuss with you about evaluation of suspension. Thank you so much.